हे गाइस, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली कभी कभी क्या हो जाता है कि सोचिए आप एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन कर चुके हैं अपने विंडोज़ में, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ अभी एक लॉगिन किया हुआ है इसमें, यूज़र अकाउंट सेटिंग, इसमें एक आईडी ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, मतलब लॉगिन किया हुआ है, तो इसको डिलीट करने का कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, या फिर मैनेज करने से भी आपको उधर लॉग आउट करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो आप आसान तरीके से कैसे आपको इसको हटाना है और नया वाला एक डालना है, तो वो हम मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जिसके मैं इसको काट दिया। सबसे पहले आपको कैसे किस में जाना है, दिस पे से राइट क्लिक कीजिए, मैनेज में चाहिए, उसके बाद लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स यूज़र, अभी आप ये वाला एडमिनिस्ट्रेटर जो है अकाउंट, इसको प्रॉपर्टीज में जाके डिसेबल को बंद करके इनेबल कर दीजिए। अब ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटर ऑन, अभी आप स्टार्ट में क्लिक कीजिए एंड अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर खुलने से अभी आप उसी वाला सेटिंग में जाइए, जाके चेक कीजिए, तो देखिए कोई अकाउंट नहीं होगा, तो ये फ्रेश है, मतलब आप दूसरा वाला आईडी जो है आईडी को डिलीट कर दीजिए इधर से, तो आपका ये फ्रेश हो गया। फिर साइड क्लिक मैनेज, लोकल यूजर एंड ग्रुप यूजर पहले वाला जो था उसको करना है मुझे डिलीट। अब देखिए हम लोग पहले टाइम जब देख रहे थे यूजर इधर दो दिखा रहा था, अब एक ही दिखाएगा। अभी आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इसमें लॉगिन कर सकते हैं, वो फ्रेश है अभी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।